आज द्वितीय पर्याय बजेट अधिवेशन तृतीय दिन आज भी गृह आरंभु शासक और विरोधी दल मुहांमुही होवार संभावना रही है। शासक दल बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही गृह से क्षमा मागिबाकु दाबी करी जिद्रे अटल रही है। सेबड़े विधायक क्षमा मागंतु नहीं विचार बाचस्पति मंतव्य को विरोध करिछि बीजेपी। अपरपक्षे चाषी समस्त धान उठेबा दाबी से अड़ी बसिछन्ति विरोधी जेउथिपई गृह से अचलावस्था देखादेछि। गृह ठीक रे चलो कि नहीं से नहीं आशंका देखादी। अंपक्ष जंगल निहां को नहीं गृह से बीजेपी मुलतवी नोटिस को ग्रहण करिछन्ति बाचस्पति जार उत्तर रखे जंगल और परिवेश मंत्री विक्रम केशरी आरुख। अनेपटे आज प्रश्नकाल अति गुरुत्वपूर्ण गृह अर्थ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण इस्पात और खणी अबकारी साधारण प्रशासन विभाग आलोचना रही है। यह सहित अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग खर्च दाबी उपर आलोचना हो जदि विधानसभा स्वाभाविक रहे ताहले एसो उपरे आलोचना होबार संभावना रही है। दिव्यज्योति महांत्यां प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना दिव्यज्योति आज विधानसभा मोटामोटी के बोले आशा करा जाउछि। देखो पूर्व बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय आरंभ होबार दुई दिन जो प्रश्न काल संपूर्ण हो पारिनी सरगम रही गृह चाष और चाषी प्रश्न को लेकर गोटे प्रकार विरोधी अड़ी बस चाहिए सरकार प्रथम समस्त धान उठातु किंतु सेपट देखिए शासक दल जो ट्रेजरी बेंच रही शासक दल आभिमुख्य देखिए शासक दल जो दिन विधायक बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही सानिटाइजर पी आत्महत्या उद्यम करते परवर्त समय अड़ी बस जेपर्यंत सुभाष पाणिग्राही क्षमा न मागिछि से पर्यंत जाए विधानसभा को आम चलाई देवु तृतीय दिन आरंभ हे किभली भाव गृह रही कार्य रही गृह को पर्चा कैसे बाचस्पति संपूर्ण भाव बाचस्पति निर्भर कैसे कि भाव सुखुरी गृह चलो बाचस्पति से दिगरे कि निष्पत्ति ने उभय शासक विरोधी को किभली मनाऊँच जेहेतु उभय शासक विरोधी गोटे प्रकार निज निज जिद्रे अड़ी बस सहित आप देखिए आज प्रश्नकाल आरंभ में बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना होवार अच्छी जमीक हेल्थ डिपार्टमेंट हो कि पूर्त विभाग हो कि अन्य जो सब विभाग अच्छी सतट विभाग गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना होवार अच्छी आप जानते हेल्थ डिपार्टमेंट कथ विशेष भाव देखा आज कोरोना को ओडिशा रे बर्षे पुरुष अर्थात आज का दिन में मार्च 15 तारीख 2020 मसीह प्रथम कोरोना पॉजिटिव ओडिशा रू चिन्हट होते तो से दृष्टिकोण कोविड समय जो सब महादुर्नीति होती प्रसंग कर पारती विरोधी ता सहित सबुठ बड़ प्रसंग हो मुलतवी प्रस्ताव आकार आसी जंगल निया जंगल में जो भाव निया जल्दी और यार भितर बीजेपी टीम ग्राउंड को जी ग्राउंड रियालीटी देखी से दृष्टिकोण गत काली बीजेपी विधायक मैंने अभियोग आणले जो मैंने वन अधिकारी रही वन कर्मचारी रही ही निया लगा परवर्त समय से ही लिभाऊँ एथिरे गोटे प्रसंग रही है जो कांपा फंड आसी दुर्नीति जंगल निया लगाऊ बीजेपी अभियोग रही है जेहेतु विरोधी ए प्रसंग को विधानसभा को आनी आलोचना होवार अच्छी तो मोटामोटी भाव में आलोचना समय मंत्री कौन उत्तर रखुच्च टैक्सफोर्स गठन जो आज रिपोर्ट रही टैक्सफोर्स गठन रिपोर्ट आज दिजिव केन्द्र टीम आज राज्य सरकार सह आलोचना करेंगे जो कि भाव में निया को आयत्रण कर जो आगामी पदक्षेप कौन हम यार स्थायी समाधान कौन रही से विषय में सरकार को विस्तृत रिपोर्ट देवे आलोचना रही तो से दृष्टिकोण निश्चित भाव में यह गुरुत्वपूर्ण प्रसंग बहन करतमान समय विधानसभा सबुठ बड़ कथ हो खर्च दाबी आलोचना जब आप देखिए एस टी विभाग खर्च दाबी आलोचना रही है अपराह अधिवेशन में किंतु जदि गृह सरगरम न रुए जदि गृह स्वाभाविक रुए ताल यह सब प्रसंग आलोचना हो जदि गृह सरगरम रहा पुणी से ही अनुपात आप देखिए बीजेपी विधायक मैंने कि कांग्रेस विधायक मैंने जदि प्रथम चाषी प्रसंग नहीं गृह मध्यभाग से हटोल करती अंपटे शासक दल निज जिद्रे अड़ी बस तो क्यों ना क्योंकि गृह पुणी आज दिन धोई जापे आकलन करपूर्व दिव्यज्योति सेपटे विरोधी माने क्यों क्यों प्रसंग को नहीं आज गृह को सरगरम कर पारती कारण पूर्व आम देखीचे जे चाषी समस्या को नहीं प्रसंग सामना को आसीतिला एवं केंभली बाबे पूर्वर मध्य उभय सरकार विधानसभा रे मिछ कहिसेंति एवं चाषी मंडी समस्या को एपर्यंत सुधारी पारे नांती ताकु नहीं मध्य तमाम गृह रे मुलतवी अवस्था सृष्टि गृह रे केउटा केउठी हुस्तुल सृष्टि हेतिला तो विरोधी पाखे कौन प्रसंग रही आज पई देखु प्रथम प्रसंग होउची बीजेपी पाखरे बीजेपी कहवा कथा समस्त धान उठी जाऊ मंडी जेपर्यंत धान न उठी चाषी मैंने सेपटे आत्महत्या कले जहाँ आखि रखी बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही गोटे चरम निष्पत्ति नेबाकु जाइथिले एवं सानिटाइजर पी आत्महत्या उद्यम मध्य करथिले से दृष्टिकोण निश्चित भाव गृह बे सरगम रहिबो एवं गत काली जेहेतु बाचस्पति विधानसभा बाहर गोटे मंतव्य देखते विधायक सुभाष पाणिग्राही क्षमा मागिबा उचित
ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତର ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି କରୁଛି। ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆଜି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିର ନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିଜେପିର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ, ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ଧାନ କିଣିବାରେ। ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ରହିଛି, ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ବି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବହୁତ ଥର ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛି, ଅନେକ ଥର ମୁଲତବୀ ବି ହୋଇଛି, ତାପରେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏ ଉପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାମ୍ପଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ତାଙ୍କେ ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ? ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବି ଆଜି ସେ ବିକ୍ରି କରିବେ ନା, ଏପଟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାର ଗାରିମା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବିଧାନସଭା ଚଳାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି? ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆଜି ବିଧାୟକ ବି ଚାପରେ ଅଛି, ଦିନେ ଚାଷୀମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଆଗେଇଲେଣି, ସେମାନେ ଏବେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏରିଆରେ ଯାଇ ବିଧାୟକ କ'ଣ କରିବ? ବିଧାନସଭାରେ କିଛି କଥା ରହୁନାହିଁ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କର କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କଥା ରହିପାରୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଏ ଉପରେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଶିମିଳିପାଳ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସରକାର ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଅନେକ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ସରକାର ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁକି ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତାହିଁରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଭାରି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆମେ ବସିବୁ, ଆମେ ସେ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଆଜି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏବେ ବସିକିନା ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାକୁ ନେଇକିନା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଅପୂର୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କୋହଳ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରାଯାଇନି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।